नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने चली बड़ी चाल, जिस पर ओवैसी ने किया पलटवार। जी हां, गुजरात में भाजपा की सत्ता बचाए रखना मोदी और शाह के लिए नाक का सवाल हो गया है। इसीलिए पार्टी की तरफ से हर संभव प्रयास हो रहा है कि राज्य में भगवा राज कायम रहे, लेकिन भाजपा की इस चाल पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि ओवैसी ने गुजरात के दो जिलों आनंद और मेहसाणा के कलेक्टरों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का धर्म तटस्थ कानून बनाए। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता देने का काम तो भारत में पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले लंबी अवधि का वीज़ा देती है और फिर उन्हें नागरिकता मिल जाती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार को इस कानून को धर्म तटस्थ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CAA को NPR और NRC से जोड़ना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर गुजरात के दो जिलों मेहसाणा और आनंद के कलेक्टरों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। मौजूदा वक्त में गुजरात के दो जिलों आनंद और मेहसाणा में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रह रहे हैं। इन्हें नागरिकता देने का यह फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है। वैसे भी मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। जाहिर सी बात है कि सरकार के इस आदेश से सीधा लाभ भाजपा को होगा, जिसकी वजह से ओवैसी ने भाजपा की नीतियों पर हमलावर रुख कायम किया है। अब देखना यह है कि ओवैसी का यह तेवर चुनावों में क्या असर डालता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के साथ। धन्यवाद।